तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के लिए आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। और जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपकी पूरक परीक्षा के लिए इस प्रकार के दो सेट पेपर बताने वाला हूँ, सेट ए और सेट बी। अगर आपने दोनों सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपके सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से फंसने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। प्रश्न नंबर एक को देख लें, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पेसेज को पढ़ना है पूरा। जैसे कि पंचमणी इज ओनली हिल स्टेशन, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा इस पेसेज को पढ़ लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन, पंचमणी इज ऑफ्टन रिफर टू, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना सतपुरा की रानी इसको कहा जाता है। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द पंचमणी, तो देखो 1067 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन, वाई इज पंचमणी कंसीडर ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखो तीसरे का राइट आंसर भी आ जाएगा, प्रेजेंट ऑफ द लैंड लीपर्ड्स एंड द बाइसन इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज बिलीव्ड टू हैड स्टेड इन द फाइव स्टैंड, तो देखो इसका चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा, पांडव। उसके बाद में देखो पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवें का राइट आंसर बी आ जाएगा, ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग ए लूट। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर दो को देख लो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो देखो प्रश्न नंबर दो को पढ़ लें, वेन वी आर यंग, इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें, पीपल माइट बी स्केयर्ड टू टाइगर एंड द शार्क वेन दे आर यंग, तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल इसका राइट आंसर आएगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन फॉर मेल मॉस्किटोज, तो देखो इसमें राइट आंसर आ जाएगा प्लांट नेक्टर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, व्हाई कैन मॉस्किटो इजिली ट्रीटमेंट ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम द पर्सन टू अनदर, तो देखो इसका तीसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा, बिकॉज दे बाइट मेनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, विच टू डेडली डिसीज एंड मेंशन एज द बींग कैरीड ऑफ द मॉस्किटो, तो देखो चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा, मलेरिया एंड येलो फीवर। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग ऑफ द ट्रांसमिट, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पास ऑन। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। प्रश्न नंबर तीन को पढ़ते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर तीन में इस प्रकार का आपको यहाँ पर एक नोट मेकिंग दी गई है, इसमें से आपको क्या करना है इसको देखना है। और देखिएगा नोट मेकिंग आप लोग बनाना कैसे सीखोगे, इसके लिए मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो उपलब्ध करवाया है, आप लोग उस वीडियो को देखकर नोट मेकिंग को बनाना अच्छे से सीख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इनको पढ़ लें। ये आपके पेपर का सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपको क्या करना है, आई डिडेंट बाई मैंगोज, तो देखो यहाँ पर आपका ए नहीं आ जाएगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, शरद वाचिंग टीवी वेन द पावर वेंट ऑफ, तो देखो यहाँ पर आपका वाज आ जाएगा। और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो देखो इसमें आपका द आ जाएगा। उसके बाद में वी आर मेकिंग काइट वेन माई फादर अराइव, तो देखो यहाँ पर आपका अराइव आ जाएगा। उसके बाद में इसको देखते हैं ई नंबर को, सी इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस सी इज़ इल, तो देखो इसमें आपका बिकोज आ जाएगा। उसके बाद में एफ नंबर के क्वेश्चन को देखें, यू टेकन माई पेन, तो देखो इसमें आपका हैव आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 को पढ़ लेते हैं, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो देखो इन हिज हाउस इसका राइट आंसर आएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का दूसरे नंबर का, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा अबाउट द चॉइस। उसके बाद में देखो थर्ड नंबर को पढ़ते हैं, तो देखो इसमें आपका आ जाएगा वेन ही वाज अबाउट टू लीव फॉर ए रिसर्वल, इसका राइट आंसर होगा। चौथे का राइट आंसर नो चेंज आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग एस्ट्रेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, द लिटल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइड, तो देखो हर फादर इसका राइट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, हर फादर विजिट हर इन मॉर्निंग। और उसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो देखो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्डेड लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। प्रश्न नंबर बी को देख लेते हैं, रीड द फॉलोइंग एस्ट्रेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखो ये आपका बी नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें पहला क्वेश्चन, वाई आर द हाउस डोर रिपर्स 86 क्रम्बली, तो देखो पहले का राइट आंसर बी आ जाएगा, बिकॉज दे आर बी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, वाई हैज द वाइंड बीन कॉल्ड गुड, तो देखो सेकंड का राइट आंसर आपका सी आएगा। और थर्ड का राइट आंसर भी आपका सी आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इनको कंप्लीट कर ले। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है। अब 11 के बाद में इधर आ जाते हैं, देखो ये प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है, 13 ये लिखा है, 14 ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।